बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट क्लास में हमने स्पिन इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन किया था, तो आज हम चाहते हैं कि उस स्पिन इंडस्ट्रीज वाले क्वेश्चन को जनरल नोटिस के थ्रू, जो रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन पेपर में आ सकती है, उन इजाफी रिक्वायरमेंट के साथ भी क्या करें, सॉल्व कर लें। सबसे पहले मैंने कहा था हम लोन लेने की एंट्री बनाते हैं। हमने लोन कब लिया था बेटा? ऑगस्ट के मंथ में। याद होगा क्वेश्चन आपको स्पिन इंडस्ट्री वाला, पिछले क्लास से कंटिन्यू है क्वेश्चन। तो आप अगर आपको क्वेश्चन याद ना हो तो पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा बेटा। तो याद है सबको, 1 अगस्त को हमने लोन लिया था, और मैंने कहा था यहाँ पे लोन रिसीव होने की एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स करें सब लोग बेटा, याद है सबको? स्पेसिफिक लोन लिया था बेटा, स्पेसिफिक लोन। पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है सामने, ऑन 1 अगस्त 2008 ईयर एंड। इसमें क्या रखा था हमने क्वेश्चन का, ओरिजिनल ईयर एंड क्या था? 30 जून। तो ये तो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के साथ मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए प्लीज। तो अभी समझने वाली बात इसमें क्या है, फर्स्ट अगस्त 2008 आपने कहा बैंक डेबिट, और जो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस थे उसको आपने सीडब्ल्यू आईपी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट कर दिया और लोन क्रेडिट कर दिया। अगर रुपीज इन 1000 में एंट्री बनाएंगे तो 1,25,000, सॉरी कितना था, 25,000, 1,25,000। इसका 5% हमने, इसका आधा परसेंट हमने क्या किया था, अरेंजमेंट फी पे की थी। 25,000 का 0.005, ठीक है जी, क्योंकि रुपीज इन 1000 तो ये मिलियन में चल रहा है सब कुछ, 125। तो हमारे पास फंड्स, लोन हम पे, लायबिलिटी हम पर क्रिएट हुई थी 25,000 की, ठीक है, लायबिलिटी हम पे क्रिएट हुई थी 25,000 की, लेकिन हमारे पास फंड्स अवेलेबल हुए थे कितने, 24,875। 24,875 तो बैंक डेबिट हुआ 24,875 से, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हुआ 125 से। जवाब दें, और बेटा, और बेटा बोलिए सब लोग, लाइब्रेरी क्रेडिट हुई कितने से, 25,000 से, ऐसा ही था ना। अच्छा जी, उसके बाद पहला एक्सपेंडिचर कब हो रहा है, 1 सितंबर को। कितने से एक्सपेंडिचर हो रहा है, 18,000 से, गुड। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 18,000 से, ठीक है। बैंक क्रेडिट 18,000 से, सही है बेटा, जवाब दीजिए। उसके बाद अगली पेमेंट कब हो रही है, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 2008 को एंट्री बनती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से, 15,000 से। भाई 15,000 कहीं से भी पे हो, कैश तो खर्च हुआ ना, वो एलोकेशन ऑफ फंड अलग चीज है, लेकिन एंट्री करते वक्त हमें ये बताना थोड़ी है कि हमने कहां से खर्च किया, कैश तो सारा हमारा कंबाइन हो गया। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट बैंक क्रेडिट एंट्री बन गई, यस और नो, जवाब दीजिए बेटा। फिर उसके बाद अब अगली एंट्री कब बन रही है, 1 फरवरी। अच्छा, अगर बीच में मैं 31 दिसंबर को ईयर एंड मान लूं तो मुझे 31 दिसंबर तक की सारी एडजस्टमेंट पास करनी होगी, लेकिन अभी मैं ईयर एंड 30 जून मान रहा हूं, तो क्या करना है जरा देखिएगा। 1 फरवरी को मैं पेमेंट कर रहा हूं
2009 क्या एंट्री बनी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, और ये एक्सपेंडिचर मैंने पे कहां से किया, बाय द वे बैंक ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटीज, कितना अमाउंट पे किया, कितना अमाउंट पे किया, जवाब दो, 12,000। ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद लोन रीपेमेंट, सेम डेट पर ही ना। अच्छा, कितने से पे किया, 5,000 से। तो उसकी एंट्री क्या है, लोन डेबिट है, बैंक क्रेडिट है। इस एंट्री का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन हम इस लोन रिपेमेंट को दिखा रहे थे किससे, एलोकेशन ऑफ फंड से, मतलब इस पेमेंट को हम दिखा रहे हैं एलोकेशन ऑफ फंड से, और इसका इस पेमेंट को हम जब कर रहे हैं कहां से, जनरल फंड से ड्यूरिंग द सब्सटेंशियल पीरियड। तो इस चीज पेमेंट एलोकेट हुई है, इस पेमेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, याद नहीं है बस। तो ये मैंने ब्लू कलर से एंट्री क्यों बनाई थी, मैंने ये समझाया था कि 5,000 जो पे हो रहे हैं, ये 5,000 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड नहीं हो रहे, समझे बात को, जवाब दे। उसके बाद इंटरेस्ट पे हो रहा है, इंटरेस्ट पे हो रहा है किस पर, स्पेसिफिक बोरिंग्स के ऊपर। तो स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट का इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज होगा ना, या नहीं होगा। तो स्पेसिफिक बोरिंग का जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो तो आप पे कर रहे हैं अगस्त से फरवरी का, लेकिन अगस्त के मंथ का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। तो इसके दो एंट्रीज बन रही होंगी, दो इससे शो होंगे, फाइनेंस चार्ज डेबिट, जवाब दे, फाइनेंस चार्ज डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। सर जो इंटरेस्ट पे हुआ है पूरे 6 महीने का पे हुआ है, यस, लेकिन इसमें जो अगस्त का इंटरेस्ट है 6 महीने का, इसको डिवाइड बाय 6 करें तो आंसर आएगा 250 रुपए। तो अगस्त का जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है, और बाकी जो इंटरेस्ट है वो हमने क्या कर दिया है, कैपिटलाइज कर दिया है, जवाब दे, ऐसा ही। ऐसा ही है ना, अच्छा जी। उसके बाद अब अगली पेमेंट कब हो रही, फर्स्ट जून को। तो जो पेमेंट हो रही है वो तो क्वालिफाइंग एसेट पे एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होगा, ठीक है, लेकिन उस पर कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, कितना एक्सपेंडिचर है वो लास्ट, 9,000। ठीक है, सही है बेटा, जवाब दीजिए। अच्छा जी, अब 30 जून हमारा ईयर एंड है, तो हिसाब लगाइए जरा, कहते हैं अगस्त से लेकर फरवरी तक का इंटरेस्ट जो है वो ड्यू भी हो चुका और पे भी हो चुका,
किस पर? स्पेसिफिक बोरिंग पर। लेकिन अब फरवरी से लेके जून तक का इंटरेस्ट कितने मंथ का बना? 5 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ। पे कब होगा? अगले अकाउंटिंग पीरियड में, जुलाई खत्म होने के बाद 1 अगस्त को। यस और नो? क्योंकि इंटरेस्ट पे करने की जो आपकी प्रैक्टिस है वो 6-6 महीने वाली प्रैक्टिस है ना बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ। कब पे होगा? अगले अकाउंटिंग पीरियड में जुलाई का इंटरेस्ट मिला के कब पे होगा? 1 अगस्त को। तो इसका मतलब क्या है? ईयर एंड पर 5 महीने का इंटरेस्ट क्या है? अक्रूड है। अक्रूड है कि नहीं? अब क्या करें आप एडजस्टमेंट पास करें 30 जून। इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है आपका? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट था इसका? रेट क्या था? किस रेट पे लिया था ये लोन? 12% पर। मल्टीप्लाइड बाय 5 / 12 कितना बना? कितना बना? 1,000 बन गया। तो 1,000 इंटरेस्ट पेएबल है। इसमें से फरवरी से लेके मई तक का क्या कर दिया हमने? कैपिटलाइज किया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और बाकी जो जून का इंटरेस्ट था उसको चार्ज किया बतौर एक्सपेंस। फाइनेंस चार्ज जवाब दें। रिस्पॉन्स दें बेटा। तो अगर मैं 1,000 को डिवाइड कर दूं 5 से तो क्या होगा? 200 हो जाएगा ये और 800 हो जाएगा ये। ऐसे ही है। ये एंट्रीज बनाई हैं आप लोगों ने बेटा, बताइए। अच्छा, अब जो जर्नल बोरिंग से उनपे कितना एवरेज इंटरेस्ट ड्यू हुआ? एक पर कितना हुआ? 2.44। एक पे कितना हुआ? 3 मिलियन। ऐसे ही है। जर्नल बोरिंग पे कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ? तो अगर मैं मान लेता हूं फर्ज करें वही हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट है जो हमने पे करना है, इंटरेस्ट पेएबल कितने से? 2.44 और 3, 5.44। बिल्कुल अलग से बनेगी ना बेटा। 5,440 अभी जरूरी अलग करना वरना चीजें मिक्स हो जाएंगी। जवाब दें। 5,440 रुपीज इन 1,000 में। अच्छा अब बताइए, आपके पास जर्नल बोरिंग की कैलकुलेशन हुई भी है? हुई भी है? आपके पास जर्नल बोरिंग की कैलकुलेशन हुई भी है? ओवरऑल कितनी जर्नल बोरिंग को आपने कैपिटलाइज की? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट किया आपने 1,237, ठीक है। और बाकी हो जाएगा आपका क्या? फाइनेंस चार्ज, इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितना डिफरेंस निकाल लो एक तरीके से, 4,203। ठीक है, 4,203। अब उसके बाद
जो इंटरेस्ट इनकम हमें रिसीव होनी है उसकी एंट्री, अगर मैं मानूं कि वो भी अक्रूड है अब तक हमें रिसीव नहीं हुआ, तो हम उसको अक्रूअल बेस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिसीव होने की कोई बात है नहीं क्वेश्चन में, तो रिसीवेबल बना लेते हैं, तो एक एंट्री और बनेगी। इंटरसीएबल डेबिट, अच्छा जी, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, अगस्त वाला इंटरेस्ट याद है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, ये सितंबर से दिसंबर तक वाला इंटरेस्ट, तो 24,875 रुपए जो थे आपके पास अगस्त में अवेलेबल, वो आपने इन्वेस्ट किए थे 8% पर, मल्टीप्लाइड बाय 1/12 कितना बना, 167 या 166 लिया था हमने इसको, याद कीजिए हमने क्या लिखा था, 167 या 166, और जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था वो था 6,000, क्योंकि हमने 24,875 में से 18,000 पे कर दिए थे, और 18,000 पे करने के बाद जो हमने पे करने के बाद जो बचे थे हमारे पास 6,875, उसका हमने निकाला था 8% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कितना बना, 137। तो फर्ज करें ये इंटरेस्ट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, तो ओवरऑल कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल है हमारे लिए, फर्ज कर लें, अज्यूम कर रहा हूं मैं ये बात, 303। ठीक है जी, तो अगर मुझे कोई कहता है बेटा 30 जून पर दिखाओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो क्या क्या दिखाओ उसके अंदर, देखिए पेपर का रिजल्ट बनाना सीखना है मैंने, मसला ये है कि मुझे पेपर में रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूट करना नहीं आती, तो मैं एक ही क्वेश्चन मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट से करवा रहा हूँ इसलिए ताकि पेपर सॉल्व हो बेटा। अभी मैंने एंट्रीज बना दी, अब एंट्रीज से आपके लिए चीज समझना आसान हो गई कि भाई SOFP और SOCA में क्या इफेक्ट जाएंगे, लेकिन हमें तो प्रैक्टिस करनी है डायरेक्ट वाली, ये डायरेक्ट चीजें करना आता है हमें। बताइए बेटा, आप बोलिए, रिस्पॉन्स कीजिए, बताइए सब लोग, यहां तक क्लियर है सबको, अगले पेज पे चले हैं। तो ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूं ये उस क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मुस्तकबिल में किसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो सकती। स्पिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एज ऑन 30 June 2009 रुपीज इन 1,000 एसेट्स फिर
नॉन करंट एसेट्स, फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बताओ बेटा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टोटल कितना एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज किया? देखो बैलेंस सारे वेरीफाई करते हैं पिछले पेज पे जाके। सबसे पहले हमेशा क्या करो, एक्सपेंडिचर का सम निकाल लो, यानी मतलब एसेट कंस्ट्रक्ट करने पे खर्चा कितना हुआ, सही है? तो जरा हिसाब लगाते हैं, एसेट कंस्ट्रक्ट करने पे खर्चा कितना हुआ? 18,000 खर्च हुए, 15,000 खर्च हुए, 12,000 खर्च हुए और 9,000 खर्च हुए। तो टोटल एक्सपेंडिचर, ये ऐसे नहीं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे, बिलाल जैसे बोल रहा हूँ मैं वैसे, 18,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000, खाली इतना आंसर बताओ, जिस तरह मैं फॉलो करवा रहा हूं उस तरह सम बताइए कितना? 18, 15, 12 और 9, 54,000। गुड, जबरदस्त। इसका मतलब ये हुआ, ये मैं सिखा रहा हूं ताकि आपको मुस्तकबिल में क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना भी आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेपर में मुझे इन शॉर्ट जल्दी जल्दी काम करना है, मुझे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस चाहिए, तो मुझे सबसे पहले लिखना है एक्सपेंडिचर कि भाई टोटल मैंने इस एसेट पे खर्चा कितना किया, भाई कितना खर्चा किया मैंने इसके ऊपर। मतलब मुझे दो काम सीखने हैं इसके अंदर। 54,000 का मैंने एक्सपेंडिचर किया, लेकिन इसके अलावा भी मैंने इसमें कुछ कैपिटलाइज किया, वो क्या है? बोरिंग कॉस्ट। तो इधर मुझे अब बोरिंग कॉस्ट प्लस कर देनी है इसके अंदर। चलो वो मैंने वर्किंग की हुई है, लेकिन वर्किंग के अलावा मैं एंट्री से अपनी बोरिंग कॉस्ट को वर्कआउट करता हूँ, ठीक है जी? सब लोग कैलकुलेटर उठा लें जरा। सर ये 125 बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की मैंने अरेंजमेंट फी के नाम से या कमिटमेंट फी के नाम से, यस और नो? कैलकुलेटर पे 125 लिखा, यार जवाब दे जल्दी जल्दी। सर फिर 1250 जो थी वो अगस्त से लेकर, वो 1250 जो थी वो सितंबर से लेकर फरवरी तक स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट थी, इसको भी ऐड कर दिया, जवाब दे जवाब दे। फिर सर उसके बाद फरवरी से मई तक की जो बोरिंग कॉस्ट है स्पेसिफिक कितनी है, वो 800 रुपए, इसको भी ऐड कर दिया। फिर जनरल बोरिंग कॉस्ट कितने से कैपिटलाइज की? 1237, इसको भी ऐड कर दिया। और जो कैप इन्वेस्टमेंट इनकम से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का इफेक्ट लेस किया, वो कितने से लेस किया? 137। चलें बेटा बताइए अब नेट होके कितना आ गया? इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितने से डेबिट, और इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितने से क्रेडिट? नेट इफेक्ट बताइए, वॉट इज द नेट इफेक्ट ऑन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? अब ये आंसर वही होगा जो आपने लास्ट क्लास में वर्कआउट किया, 3275। कंफर्म बेटा 3275। अब इसका मतलब क्या है? टोटल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस कितना हो गया हमारे पास? 57,375। ऐसे ही बोलिए बेटा, कोई इंटर, कोई करंट एसेट हमारे पास, कोई करंट एसेट, इंटरेस्ट रिसीवेबल है ना? अगर ये इंटरेस्ट रिसीव हो चुका होता तो नहीं आता इफेक्ट यहां पर, लेकिन हमने अज्यूम किया कि रिसीवेबल है, ताकि हमारा एक आइटम बढ़ जाए कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्योंकि क्वेश्चन ने खामोशी इख्तियार की हुई है। अगर इसको रिसीव अज्यूम किया जाए तो फिर यहां पर नहीं आएगा ये पैसे, अगर आपकी जेब में आ चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं।
तो रिसीवेबल भी आपके सामने मैंने क्रिएट किया, टोटल आपका अगस्त से लेकर दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है वो कितना है, 303 है। इसमें वो भी कैप जिसमें जो कैपिटलाइज है वो भी शामिल है, और जो कैपिटलाइज नहीं हुआ जो इनकम बना है वो भी शामिल है। जवाब दें, ठीक है जनाब। ये आपकी आ गई एसेट साइड। अब किसकी बारी है बेटा? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी तो हमारे पास कोई भी नहीं है, कोई हमें कैपिटल या शेयर कैपिटल वगैरह नहीं बताया गया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कहां जम करते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज पर। क्या हमारे पास कोई नॉन करंट लायबिलिटी है? क्या है? और उसके बाद हमने देखना क्या, करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा हमारे पास बेटा? बैंक लोन। कितना बैंक लोन बचा हुआ बेटा? लाइबिलिटी कितनी बची हमारे पास 30 जून पर? सब बताइए बेटा, सब पार्टिसिपेट करें। आप देखें पार्टिसिपेशन होगी तो बात बनेगी ना। लाइबिलिटी कितनी बची हम पर? 20,000 लाइबिलिटी है ना हम पर। लोन आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है? 20,000। ऐसा ही है हमजा बेटा, लाइब्रेरी 25,000 थी, 25 में से 5 गए तो 20 बचे ना बेटा। एंट्री चेक करो, आपने इनिशियल पहली एंट्री में लाइब्रेरी क्रिएट कितने से की थी हमजा बेटा? लाइब्रेरी 25 से क्रिएट हुई थी, 5 से रीपे हुई, तो अब लाइब्रेरी कितने से बची हुई है? क्या 5 5 की 2 रीपेमेंट हुई है? 1 रीपेमेंट हुई अब तक, 20। अच्छा, लेकिन अभी हम कहां पर है? 30 जून पर। यस और नो भाई, जवाब दें सब लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। अभी हम कहां पर है? 30 जून पर, ठीक है। और 30 जून पर पहुंचने के बाद जब हम कहां पहुंचेंगे? 1 अगस्त को, तो ये वाले 6 महीने भी पूरे हो जाएंगे। तो अगली मतलब जो अगला अकाउंटिंग पीरियड है, उस अगले अकाउंटिंग पीरियड में आपको कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे होती हुई दिखा रही है? 5,000 की कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे होती हुई दिखाई दे रही हैं आपको अगले अकाउंटिंग पीरियड में? एक इंस्टॉलमेंट तो पे हो रही है आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में 1 अगस्त को, और फिर एक इंस्टॉलमेंट पे हो रही है 1 फरवरी को। यस और नो सब लोग जवाब दें। अगर मैं 6-6 महीने पर लोन रीपे करूंगा, तो मैंने लोन लिया था 1 अगस्त को, उसके 6 महीने पूरे हुए थे 31 जनवरी को, उसकी मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे की थी 1 फरवरी को, फिर 1 फरवरी से मैं कहां रुका हुआ हूं? 30 जून पर। अब 6 महीने कहां पूरे होने हैं? 31 जुलाई को, और उसकी पेमेंट होनी है कब? 1 अगस्त को।
वो तो अक्रूड तो अगले मंथ में होगा ना, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ अगले अकाउंटिंग पीरियड में, अगले अकाउंटिंग पीरियड में आपको कितनी कितनी लोन की इंस्टॉलमेंट पे होती हुई दिखाई दे रही है। सिंपल से सवाल का जवाब दें बस, खाली इतना बेटा। दो बिलाल दो। आपका अकाउंटिंग पीरियड कहां से कहां तक का है यार? आपका अकाउंटिंग पीरियड जुलाई से जून तक का है, तो जुलाई से जून के दरमियान में एक इंस्टॉलमेंट पे होगी 1 अगस्त को और एक पे होगी 1 फरवरी को। अगर सेमी एनुअल पेमेंट है तो यार किसी भी साल में 6-6 महीने कितनी बार आएंगे बिलाल? बिलाल यार, बिलाल अभी हम कौन से अकाउंटिंग पीरियड में है बिलाल? ये बेटा सारे ये बुनियादी मसाइल हैं आईए वाले। अभी हम कौन से अकाउंटिंग पीरियड में है बिलाल? अरे बिलाल अभी हम कौन से यार अगस्त वाले। अभी हम अकाउंटिंग पीरियड में है 1 जुलाई 2008 से लेकर 30 जून 2009। इसमें हमने लोन कब लिया? 1 अगस्त को। अब 1 अगस्त से गिनती शुरू करो, अगस्त से लेकर फरवरी तक, अगस्त से लेकर जनवरी तक कितना वक्त हुआ? 6 महीने। 6 महीने हो गए, 6 महीने का इंटरेस्ट भी पे हुआ और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे हुई कब? 1 फरवरी को। अब उसके बाद फरवरी से लेकर आप आओ कहां पर? जून पर। जून पे क्यों रुक रहे हो? ईयर एंड होगा। ठीक है, तो 5 महीने हो जाएंगे, लेकिन इसके 6 महीने पूरे कब होंगे? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। कब पूरे होंगे? 1 अगस्त को। तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में आप क्या कर रहे होगे? अगले अकाउंटिंग पीरियड में आप 1 अगस्त को एक प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होगे, पिछले अकाउंटिंग पीरियड का 5 महीने का इंटरेस्ट और अगले अकाउंटिंग पीरियड का 1 महीने का इंटरेस्ट पे कर रहे होगे। यानी फरवरी से जून तक का इंटरेस्ट पे होगा, जिसकी लाइबिलिटी हम क्रिएट कर चुके हैं इंटरेस्ट पेएबल के नाम से 1000 से, और फिर 1 महीने का और इंटरेस्ट पे होगा जो कि जुलाई का होगा, ये अगले अकाउंटिंग पीरियड में होगा। और फिर अगस्त से लेकर जनवरी तक का पीरियड फिर 6 महीने गुजारेगा और अगले अकाउंटिंग पीरियड में एक और इंस्टॉलमेंट जाएगी का 1 फरवरी को। तो आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में कितनी इंस्टॉलमेंट हमें पे होती हुई दिखाई दे रही है? अगले अकाउंटिंग पीरियड में हमें कितनी इंस्टॉलमेंट पे होती हुई दिखाई दे रही है? कोई जल्दी कर लो यार। इस लोन की अगले अकाउंटिंग पीरियड में हमें कितनी इंस्टॉलमेंट पे होती हुई दिखाई दे रही है? दो। उन दो इंस्टॉल जो पेमेंट हो जाएगी विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, उसको हम क्या मानेंगे? करंट मानेंगे। तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि वैसे तो लोन कितना है? 20,000 रुपए का लोन है, लेकिन पांच पांच करके दो इंस्टॉलमेंट हमें अगले अकाउंटिंग पीरियड में पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस 20,000 में जो 10,000 की लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी नॉन करंट नहीं है, वो करंट है। तो 10,000 की लाइबिलिटी को करंट दिखाया और बाकी 10,000 की लाइबिलिटी, 10,000 की लाइबिलिटी को नॉन करंट दिखाया, और जो दो इंस्टॉलमेंट अगले अकाउंटिंग पीरियड में पे हो जाएंगी ना, उन दो इंस्टॉलमेंट को क्या दिखाया? करंट लाइबिलिटी दिखाया। किस नाम से? उसको नाम दिया किस चीज का? करंट मेच्योरिटी। कितनी है करंट मेच्योरिटी? 5,000 की एक इंस्टॉलमेंट है, और अगले अकाउंटिंग पीरियड में मुझे ऐसी दो इंस्टॉलमेंट पे होती भी दिखाई दे रही है। तो अमाउंट कितना बना? 10,000। तो मैं अपनी टोटल लाइबिलिटी में से करंट मेच्योरिटी अलग कर दूंगा, उसको दिखाऊंगा कहां पर? करंट लाइबिलिटीज में, और जो बचेगा उसको कहां दिखाऊंगा? नॉन करंट लाइबिलिटी में। तो दो दिखा 20,000 रहा हूं, बता ही रहा हूं कि 20,000 के दो हिस्से हैं। 20,000 का एक हिस्सा जो कि क्या है? करंट है, जो पे हो जाएगा आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में, और जो रिमेनिंग 10,000 रुपए हैं वो कब पे होंगे? उससे भी आगे वाले अकाउंटिंग पीरियड, वो क्या है हमारे लिए? नॉन करंट। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल, तो ओवरऑल हमने कितना इंटरेस्ट देना है बताइए? भाई रिस्पॉन्स करें, अब आपके पार्टिसिपेंट का वक्त है भैया।
आप रिस्पॉन्स करें, हमने 5,440 देना है स्पेसिफिक पर, ये सॉरी उस पर क्या कहते हैं ओवरड्राफ्ट पर, सही है, और हमने 1,000 देना है किस पर, 1,000 देना है किस पर, इस स्पेसिफिक पर, 1,000 स्पेसिफिक पर है, 5,440 जो है वो किस पर है, जर्नल पर, कुल मिला के कितना हो गया, कुल मिला के कितना हो गया 6,440। ठीक है जी। अच्छा जो एक्चुअल इंटरेस्ट होगा वो यहां पर आएगा, एवरेज नहीं आएगा, लेकिन अभी कोई हमारे पास एक्चुअल इंटरेस्ट की वैल्यू मौजूद नहीं, तो हम इसी को एक्चुअल के बराबर मान रहे हैं, ओरिजिनली एंट्री बनती है एक्चुअल से। अच्छा जी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, तो याद रखिएगा हमेशा एसओएफपी के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्वेश्चन ने हमें एवरेज बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन ने मैं एवरेज बैलेंस दिया हुआ है, अगर मुझे एक्चुअल बैलेंस दिया होगा तो मैं एसओएफपी के अंदर हमेशा बैलेंस सीडी रखूंगा, एवरेज बैलेंस सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए। आपको पता है एसओएफपी में सारे क्या आते हैं, बैलेंस सीडीज आते हैं, यस और नो जवाब दें भाई, रिस्पॉन्स करें सब लोग जल्दी जल्दी। लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई बैलेंस सीडी अवेलेबल नहीं है ओवरड्राफ्ट का, तो मैं क्या करता हूं, मैं एवरेज बैलेंस को ही बैलेंस सीडी अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है जी, और ये कितना हो जाएगा, 5,440। ये बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, नहीं ये बैंक ओडी का बैलेंस, ये नहीं, ये तो इंटरेस्ट का बैलेंस था ना, बैंक एवरेज यूजेज कितना था हमारा उसका लाइबिलिटी का, 25 मिलियन, और कितना था 20 मिलियन, हाँ ओके, तो 25 मिलियन से हमने एक अकाउंट यूज किया हुआ है और 20 मिलियन से हमने दूसरा अकाउंट यूज किया, ये एवरेज बैलेंस है। लेकिन अगर मुझे कोई एक्चुअल बैलेंस दिया हो तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल बैलेंस रखूंगा, बैलेंस सीडी, क्योंकि एसएफ में बैलेंस सीडी आता है, इस बात का ख्याल रखना है सबने। कितना अमाउंट जाएगा बेटा, 45। तो अब जरा देखा आपने, सोचा इतने आइटम आएंगे बेटा एक्सट्रैक्ट बनाते हुए एग्जामिनेशन के अंदर, कितनी मिस्टेक हो सकती है हमसे पेपर के अंदर, हमें आइडिया ही नहीं है। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया, एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया इसका, क्या ख्याल है, सोचा था इतना सब कुछ आपने, जवाब दे, इतना कुछ सोचेंगे तो फिर बात बनेगी बेटा। अच्छा जी, उधर क्या आ गया, स्पिन इंडस्ट्रीज, लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम,
फॉर द ईयर एंडेड थर्टी जून। अब दो ही आइटम है जो इससे बिलोंग करते हैं, आप खुद बताइए। एक हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट इनकम, और एक हमारे पास क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितनी इंटरेस्ट इनकम है, कितनी इंटरेस्ट इनकम एंट्री बनाई ना अभी आपने। मैंने एंट्री क्यों बनाई कि आपके लिए एक्सट्रैक्ट बनाना आसान हो जाए भाई। इनकम कितनी है, 166 है, और एक्सपेंस कुछ मिलाकर है, एक्सपेंस देखते हैं कितने लोग बताते हैं ओवरऑल। चलो जी, इंटरेस्ट इनकम तो लिख दिया हमने 166। अब एक्सपेंस कितना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो स्पेसिफिक लोन का अगस्त का इंटरेस्ट, स्पेसिफिक लोन का जून का इंटरेस्ट। ये अगस्त और जून का इंटरेस्ट क्या बना है, ये एक्सपेंस बना है क्योंकि ये सब्सटेंशियल पीरियड से बाहर है, यस और नो जवाब दें। तो सर स्पेसिफिक लोन का अगस्त का इंटरेस्ट 250 था, स्पेसिफिक लोन का जून का इंटरेस्ट 200 था, टोटल कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस बना, 450। यानी स्पेसिफिक लोन का 450 का इंटरेस्ट जो था वो सब्सटेंशियल पीरियड से बाहर था, लिहाजा वो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब उसके बाद जनरल बोरिंग्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 4203। सम कितना हो जाएगा बेटा, चार हजार 653। ये एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। हाँ जी बताइए, कितने लोग थे आप में से जो ऐसा करके आए। इसका मतलब दोबारा से इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना आप लोगों को बेटा। तो मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा यहां तो अब सब्सटेंशियल पीरियड के बीच में ईयर एंड नहीं आ रहा, फर्ज कर लें कि अगर सब्सटेंशियल पीरियड के बीच में ईयर एंड आ जाए तो फिर क्या होगा, 31 दिसंबर ईयर एंड हो तो फिर रिपोर्ट्स कहां बनानी पड़ेंगी, 31 दिसंबर पर। तो फिर 31 दिसंबर पे स्टॉप लगाना पड़ेगा, वहां कट ऑफ आ जाएगा आपके पास, तो वहां तक की रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं बोलता हूं नहीं मुझे आप 31 दिसंबर तक की रिपोर्ट्स बना के दिखाएं, तो फिर आप कितना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखाएंगे, जरा ये सोचिए। और बाकी सब कुछ अगले अकाउंटिंग पीरियड में होगा बेटा, जवाब दे। हाँ भाई बिलाल, बात समझ में आ रही है बिलाल, यहीं पर ही हो। रिस्पॉन्स करें सब लोग। चलिए उसके बाद अब बताइए, अब मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन देखने अच्छी तरीके से ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं इसको अब दिसंबर ईयर एंड अज्यूम कर रहा हूं खुद से। मान लीजिए कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको जून ईयर एंड ना दिया होता और क्या दिया होता, दिसंबर,
तो जरा बताइए जहां पर आपका ईयर एंड होता वहां पर सब्सटेंशियल पीरियड का कितना वक्त मुकम्मल हुआ होता, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अगस्त का एक महीने का इंटरेस्ट इजाफी होता, यस और नो? जवाब दें। ठीक है, तो जरा अगले पेज पे चलते हैं। अब मैं आपके सामने एंट्रीज बना रहा हूं, जरा देखिएगा। पहली एंट्री बनाई मेरा बेटा मैंने कब, 1 अगस्त 2008। ठीक है जी, 1 अगस्त 2008 को क्या एंट्री बनाई? बैंक डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, लोन क्रेडिट, लोन क्रेडिट 25,000 से। ठीक है जी, 125 से CWIP और 24,875 से फंड अवेलेबल हो गए हमारे पास। सेम एंट्री रिपीट कर दी मैंने, 1 सितंबर 2008 पहला एक्सपेंडिचर कब हुआ, 1 सितंबर 2008 को क्या एंट्री पास की, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 18,000 से। बैंक क्रेडिट 18,000। अगली एंट्री कब पास की, 1 दिसंबर को। जवाब दें यस, 1 दिसंबर को। तो क्या एंट्री बनी? CWIP डेबिट कितने से, 15,000 से। ठीक है, और यहां तक इसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, बीच में क्या आता है, ईयर एंड आता है, मतलब हम कहां पहुंच जाते हैं 31 दिसंबर पर, यानी कि अब हमें यहां सारी पास करनी है एडजस्टमेंट। ठीक है, जवाब दीजिए। रिस्पॉन्स करें सब लोग बेटा। अच्छा जी, अब सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है किस पर, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट पर। अब वैसे तो आप कर रहे थे अगस्त से लेकर कहां तक का बेटा, फरवरी तक का, लेकिन बीच में क्या आ गया, एरेंड आ गया। अब वो रिमेनिंग इंटरेस्ट अगले अकाउंटिंग पीरियड में फॉल कर जाएगा। जनवरी तक का इंटरेस्ट कहां फॉल करेगा अगले अकाउंटिंग पीरियड में, जवाब दें। अब आप आ जाएं 31 दिसंबर पर। और आप एंट्री पास करें क्या, फाइनेंस चार्ज यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, बैंक नहीं, इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है जी, जवाब दें। आपका लोन कितना है, 25,000, 25,000 का निकाला आपने 12%, 12% जैसे ही निकाल लिया आपने, तो मल्टीप्लाइड बाय
फाइव डिवाइड बाई 12 किया। 5 डिवाइड बाई 12 क्यों बेटा? क्योंकि अगस्त से लेकर दिसंबर तक कितना वक्त बनता है? 5 महीने। मतलब वैसे तो इंटरेस्ट देना है 6 महीने का, लेकिन वो जो अगला महीना है वो फॉल करता है अगले अकाउंटिंग पीरियड में, तो उस 1 महीने का इंटरेस्ट तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में जाएगा, लेकिन अभी तो हम पर ईयर एंड तक कितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है 5 महीने का। 25,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, 1,250। तो 1,250 जो 5 महीने का इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 5 करें तो 1 महीने का इंटरेस्ट अगस्त का निकल आएगा, जो कि एक्सपेंस बन रहा है, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट क्या हो रहा है? कैपिटलाइज हो रहा है। ऐसे ही है, जवाब दे। उसके बाद सोचिएगा आप जरा कि इंटरेस्ट इनकम दिसंबर पे आके हमारे सारे फंड्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो इंटरेस्ट इनकम पूरी की पूरी यही आ गई इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में जा ही नहीं रहे बेटा आप। लेकिन अगर हम उसको रिसीवेबल माने तो उसकी पूरी एंट्री हम यही दिखा देंगे। क्या एंट्री दिखाएंगे? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। जवाब दें। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बोलिए बेटा, तो अगस्त की इंटरेस्ट इनकम कितनी थी याद होगी आपको? अभी आपने बताई थी 600, एक कितनी 166 याद है? तो 166 से अगस्त की इनकम, और 137 से जो सितंबर अक्टूबर और नवंबर की इंटरेस्ट इनकम, जो कि हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से क्रेडिट कर दी। तो टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का कितना बना? 166 और 137, 303। तो 303 से इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या हो गया बेटा? आपका डेबिट हो गया। सही है। अच्छा अब बताइए, 15,000 में से 6,875 तो हमने पे कर दिए थे किससे? स्पेसिफिक फंड से। लेकिन 15,000 में से रिमेनिंग अमाउंट हमने कहां से पे किया? 8,125। 15,000 जो कैप जो पेमेंट थी 1 दिसंबर को, इसमें से हमने 6,875 रुपए पे कर दिए थे। कहां से? स्पेसिफिक फंड से। तो रिमेनिंग कहां से पे हुआ? जनरल फंड से। वो रिमेनिंग कितना है? 8,125। इस 8,125 पे क्या कैपिटलाइज हुई? जनरल बोरिंग कॉस्ट। अब वैसे तो जनरल बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज की थी कहां से कहां तक की? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। कितना वक्त बनता है? इस 8,125 पर आपने कितने मंथ्स की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की थी? 6 महीने की। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आपको रुकना है दिसंबर पर, तो फिल वक्त आपको इस अमाउंट पे कितने मंथ्स की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है? दिसंबर पे स्टॉप करना है ना आपको, कट ऑफ दिसंबर पे लग गया। तो ये एक्सपेंडिचर दिसंबर पे इनकर हुआ है 1 महीने की, तो इसका मतलब क्या? इस एक्सपेंडिचर पर बकाया 5 महीने की बोरिंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगी? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। यस और नो? इस एक्सपेंडिचर पर बकाया 5 महीने की बोरिंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगी? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। अभी फिल वर्क कितनी कर दें? 1 मंथ की बोरिंग कॉस्ट। ठीक है जी, तो 1 मंथ का क्या इफेक्ट है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। मान लें कि इंटरेस्ट पेएबल है आपका, इसको भी इंटरेस्ट पेएबल का पार्ट बना दो। इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर दें 8,125 इंटू पॉइंट कितना था बेटा? रेट क्या था हमारा? कैपिटलाइजेशन रेट क्या निकला था हमारा? 12.08। क्या था कैपिटलाइजेशन रेट भाई, बताओगे? सब लोग कैपिटलाइजेशन रेट बताओगे? कैपिटलाइजेशन रेट कितना था हमारा? 12.08 या 09?
मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12, क्या आंसर आया हमारे पास? 81.83। राउंड करें तो क्या बनेगा? 82। सही है जी। तो ये इतने से हमने जनरल बोरिंग कॉस्ट इस अकाउंटिंग पीरियड में कैपिटलाइज कर दी। अब इसकी जो रिमेनिंग अकाउंटिंग होगी वो कहां होगी बेटा? वो रिमेनिंग अकाउंटिंग अगले अकाउंटिंग पीरियड में होगी। जवाब दें, ठीक है? वो भी हम साथ साथ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब अगले अकाउंटिंग पीरियड में 1 फरवरी को क्या हो रहा है बेटा? पेमेंट हो रही है ना बेटा, बताओ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हुआ कितने से? कितनी पेमेंट हो रही है? 12,000। बैंक क्रेडिट हुआ 12,000, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जवाब दीजिएगा। अब अगले अकाउंटिंग पीरियड में 1 फरवरी को लोन भी रिपे हो रहा है ना, लोन डेबिट 5,000 से। बैंक क्रेडिट 5,000 से। अच्छा बेटा, अब अगले अकाउंटिंग पीरियड को इंटरेस्ट पे हो रहा है, इंटरेस्ट कितने से? 1500 से। 1500 कितने मंथ्स का इंटरेस्ट है? 1500 छह महीने का इंटरेस्ट है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और इस अकाउंटिंग पीरियड का जनवरी। तो पिछले 5 अकाउंटिंग पीरियड, पिछले पिछले अकाउंटिंग पीरियड के 5 मंथ का इंटरेस्ट तो हम इंटरेस्ट पेबल के तौर पे, लायबिलिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो जैसे ही हम ये 1500 रुपए पे करेंगे तो हम ये बोल रहे हैं इस 1500 के रुपए के अंदर हम पिछले 5 मंथ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जो कि हमारे पास लायबिलिटी के तौर पर मौजूद है। तो अब हम पेमेंट करते वक्त इंटरेस्ट पेबल डेबिट कर देंगे कितने से? ये लायबिलिटी हमने क्रिएट की थी ना यहां पर, ये रही, और बाकी जो इंटरेस्ट है एक महीने का जो कि जनवरी से बिलोंग करता है उससे हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर देंगे 250। जवाब दीजिए, यस और नो। ठीक है जी, उसके बाद आगे बात कीजिए मजीद। अब उसके बाद अगली पेमेंट कब है? 1 जून 2009 को। कितनी है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 9,000 से। बैंक क्रेडिट 9,000 से। जवाब दे। अब हमें 30 जून पे स्टॉप नहीं करना, क्यों? क्योंकि 30 जून हमारा ईयर एंड नहीं है। अब तो हमें वहीं पे स्टॉप करना है जहां पर हमारी पेमेंट आ रही है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन 6 महीनों का इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं कब? 1 अगस्त को। अब हमें 30 जून को अक्रूवल की एंट्री पास नहीं करनी क्योंकि 30 जून हमारा ईयर एंड नहीं है। वो काम हम 31 अगस्त पे कर चुके, बात समझ रहे हैं? तो अब चूंकि 30 जून हमारा ईयर एंड नहीं है, कट ऑफ पॉइंट नहीं है, लिहाजा हम वहां नहीं रुक रहे, हम डायरेक्ट जा रहे हैं पेमेंट वाले पॉइंट पर। जरा बताइए, अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट जो पे करेंगे स्पेसिफिक बोरोइंग पर, वो कितने मंथ का इंटरेस्ट होगा? वो 6 महीने का इंटरेस्ट होगा जो कैलकुलेट हुआ है 20,000 पर। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। जवाब दें,
कितना? कोई जल्दी करें बेटा, जल्दी कर। ये फरवरी का इंटरेस्ट है, ये मार्च का इंटरेस्ट है, ये अप्रैल का इंटरेस्ट है, ये मई का इंटरेस्ट है, ये जून का इंटरेस्ट है, जुलाई का इंटरेस्ट कितना? 2000। कैसे? 12% निकाले। दोबारा कंफर्म करें, चेक करें, 1200 बनेगा। 1200 रुपये, 1200 रुपये बनेगा। 1200, तो 1200 से इंटरेस्ट पे भी हो गया और ड्यू भी हो गया, ठीक है जी। अब ये 1200 जो है, ये फरवरी से लेकर जुलाई तक का इंटरेस्ट है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कितने से? इसको डिवाइड बाय 6 करें, 6 से देंगे, इसका एक हिस्सा 200 होगा, और 4 महीने का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 800। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल में, क्योंकि मई पर आपका सब्सटेंशियल पीरियड क्या हो गया? एंड हो गया। तो मई तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज है। मई के बाद क्या है? जून और जुलाई। जून और जुलाई का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे, उसको हम क्या मान रहे हैं? फाइनेंस चार्ज। ठीक है जी। अगर ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया तो इसको ट्रांसफर भी कर दें बतौर प्रॉपर्टी बनाने के ऊपर, तो फिर ये इस अकाउंटिंग पीरियड में डेबिट शीट होना भी शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं उस केस को इग्नोर कर रहा हूं। अच्छा जी, अब उसके बाद रिमेनिंग बोरिंग को, जो जनरल बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी है हमने, अब उसमें एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, खाली मैं बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज का इफेक्ट ले रहा हूं। समझ लें तो बताइए, जो आपका एक्सपेंडिचर था कितने का? 8000। 8000 यार, रिस्पॉन्स कर दें प्लीज। आपने जो एक्सपेंडिचर किया था दिसंबर 1 को, उसमें से आपने 8125 रुपए जो थे वो कहां से पे किए थे? जनरल फंड से। उस पर टोटल 6 महीने की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी थी। अब उस पर कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई? 1 महीने की। 5 महीने की कहां होगी? इधर। 8125 पिक करें, मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट, क्या रेट था उसका? 0.1209। भाई आप लोगों के जवाब नहीं मिल रहे मुझे। ठीक है जी। और उसके बाद लोन रीपे हुआ था 5000 से, 1500 से क्या पे हुआ था? इंटरेस्ट। इनकी रीपेमेंट हमने एलोकेट की थी जनरल फंड से, इन पेमेंट्स के ऊपर भी हमने क्या किया था? इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया था। तो मल्टीप्लाइड बाय 0.1209 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 8125 का 5 महीने का इंटरेस्ट, और 5000 और 1500 यानी 6500 पर 3 महीने का इंटरेस्ट। जरा बताइए टोटल अमाउंट कितना बनता है? कोई जल्दी करें बेटा, टाइम शॉर्ट है। रिस्पॉन्स करें बेटा, रिस्पॉन्स करें प्लीज। कैलकुलेशन बिलाल, क्यों कैलकुलेशन नहीं हो रही बेटा? टोटल है आंसर बेटा, हमजा टोटल आंसर बता रहे हो आप मुझे? हमजा क्या आंसर टोटल है? ओके, 196। अब अगर ये मैंने देखो बेटा, अगर ये मैंने सब कुछ ठीक परफॉर्म किया है ना, तो मेरा टोटल आंसर टोटल 605 है। देख लो यार, कंफर्म कर लो भाई। आठ हजार एक सौ पच्चीस का 12.09 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12,
605 हो गए। अब बेटा आंसर जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। देखो लेट्स प्रूव योर आंसर, बंदा जब क्वेश्चन करे ना तो वो अपने आंसर को प्रूव करे। अब समझना बात को, स्टार्ट कर रहा हूं। कैलकुलेटर आप उठा के रखिए। आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को कितने से कैपिटलाइज किया? 18,000 से। 18,000 प्लस कर दिया, कोई जल्दी जल्दी 18,000 प्लस कर दिया। फिर आपने फर्दर कितने से कैपिटलाइज किया? 15,000 से। तो 31 दिसंबर जो कि आपका ईयर एंड है, यहां पर ईयर एंड पर आपने अब तक कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया? टोटल 33,000। यस और नो, जल्दी बोलिए। एक्सपेंडिचर इनकर्ड कितना है? 33,000। यस और नो। तो ये 33,000 जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और इस पर प्लस क्या होगा? बोरिंग कॉस्ट अब तक की। अच्छा जी, 31 दिसंबर तक की बोरिंग कॉस्ट कितनी है? 125 अरेंजमेंट फी। 33 अलग कर दें, अलग करें, अलग काउंट करें, 125 काउंट करें। 1,000 की स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट, 125 प्लस 1,000, 1,125। भाई जवाब दें, 1,125 माइनस 137 का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। 1,125 माइनस 137 कर दें और उसमें 82 प्लस कर दें। 1,125 माइनस 137 प्लस 82, क्विक क्विक 1,070। क्या यही आंसर है सबके पास? तो 33,000 का एक्सपेंडिचर है बेटा, 33,000 का एक्सपेंडिचर है और 1,070 की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज है। टोटल टोटल अमाउंट कितना हुआ? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नाउ to be appeared in the statement of financial position as on 31 December 2008. So 31 December को अब आप कितना amount report करोगे statement of financial position में? कितना करोगे बताओ? कितना report करोगे? 33,000 का expenditure, 1,070 की borrowing cost capitalized, कुल मिला के कितना होता है अल्लाह के बंदो? यहां पे रुकना है ना, रिपोर्ट बनानी है ना बेटा, ईयर एंड आ गया बीच में, तो यहां से जितना काम हुआ उतना रिपोर्ट करना पड़ेगा ना बेटा। रिस्पॉन्स कर दो प्लीज। 33,000 का एक्सपेंडिचर और 1,070 का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, कुल मिला के कितना हुआ बेटा? 34,070। यस और नो, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करें बेटा। तो अभी 31 दिसंबर को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना रिपोर्ट करना है एसओएफपी में? 34,070। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है इसका, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का। ये अगले अकाउंटिंग पीरियड में क्या बनेगा? बैलेंस बीडी बनेगा, बैलेंस बीडी। और अगला अकाउंटिंग पीरियड यहां से कंटिन्यू हो जाएगा। तो अब कैलकुलेटर पे क्या टाइप करो? कैलकुलेटर पे टाइप करो 34,070, ये बीडी बैलेंस है। अब जो कुछ भी होगा अगले अकाउंटिंग पीरियड में वो इसमें इसमें आगे क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, जवाब दो। अब अगले अकाउंटिंग पीरियड में आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो? 12,000। तो 34,070 में 12,000 ऐड करो, कितना हुआ? यार जवाब दो, जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो। 34,070 में कितना ऐड किया आपने? 12,000। कितना हुआ? 46,070। फिर मजीद आपने कितना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटलाइज किया? 9,000 से। अब 46,070 में 9,000 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 55,070। गुड। अब ये देखो अगले अकाउंटिंग पीरियड में तुमने फर्दर कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की है, जरा गौर देखना। अगले अकाउंटिंग पीरियड में तुमने 250 और कैपिटलाइज किए हैं, तो 55,070 में 250 और ऐड कर दो। फिर तुमने 800 और कैपिटलाइज किए हैं,
55,320 जो कि 250 ऐड करने के बाद था, उसमें 800 और ऐड कर दो कितना हुआ 56,120। जबरदस्त। और उसके बाद तुमने 605 रुपए और कैपिटलाइज किए हैं जनरल बोरिंग कॉस्ट के तौर पर, 56,120 में बेटा 605 और ऐड कर दो। हाँ बेटा हम मास कर रहे हैं थोड़ा सा अभी, 56,000 कितना हुआ, 56,725। इससे पहले हमारा आंसर क्या था, 56,725। ये टोटल आंसर वही आना चाहिए हमारे पास जो इससे पहले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का आया था। यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है इसका और इसका, पिछले वाले का और इसका, हजार का, हजार कहां है, कौन सा हजार रह गया जरा सोचो, हजार क्या है, हजार कुछ ऑमेट हुआ है बेटा, कोई ऑमिशन हुआ आधार से, आंसर सेम आएगा। चलो आप तलाश करो जरा इसको, हजार रुपए को, वो तो पे हो चुका बेटा इस साल, या तो आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की। अभी मैं कैलकुलेशन आप पे छोड़ता हूं तो बस आप भी ऐसा छोड़ते हैं यकीन करें, या तो जवाब ही दे रहे होते। अब ये रिकनसाइल करना आपका काम है बेटा। मैंने आपको मुख्तलिफ तरीकों से सिखा दिया, एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में कैसे जाते हैं। अब आप इस 1,000 रुपए को ढूंढ के दिखाएं बेटा, या तो उस क्वेश्चन में मिस्टेक किया आपने, इसमें मिस्टेक की। अभी वेरीफाई हो जाएगा जरा देखिएगा, टाइम थोड़ा शॉर्ट है लेकिन मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। चलो मैं आप उसको ढूंढिए जरा, सब लोग जरा आप भी दिमाग चलाइए, लेकिन मैं इसको बाद में वेरीफाई कर लूंगा। ओके बेटा, यहाँ तक स्टॉप करूंगा, मेहनत कीजिए, दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए। ये अब आपकी, अब अगर आप इसकी दिसंबर की SRP बनाएंगे तो दिसंबर तक के मामला रिपोर्ट होंगे, जो कि बैलेंस क्या होगा 34,070 के बराबर होगा जो आप रिपोर्ट करोगे। फिर दिसंबर तक की लायबिलिटीज रिपोर्ट की जाएंगी, दिसंबर तक की SRP बनेगी, समझे बात को या नहीं। तो इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करेंगे यहां से। आप इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करें प्लीज, दोबारा लाजमी अटेम्प्ट करें, ठीक है। इसको स्टॉप करूंगा, बाकी बात अगली क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।